नमस्ते टू ऑल, आई एम सुनीता, आई एम एन इम्यूनोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मेरा टॉपिक है कि रेंटर्स को क्या वास्तु इफेक्ट करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है। मार्केट में मिथ है कि जो ऑनर होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, सिर्फ वास्तु उससे कनेक्टेड होता है और उसकी वाइफ से कनेक्टेड होता है और उनके पहले बच्चे से कनेक्टेड होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, चाहे वो आपका अपना है, चाहे आप रेंट पर रह रहे हैं, उस घर में अगर आपने 21 दिन से ज़्यादा बिता दिए, वो उस घर का वास्तु आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हर एक घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कहाँ कहाँ बैठी होती हैं, क्या आपको प्रॉफिट दे रही है और कौन सी एनर्जी आपको लॉस में लेके जा रही है, ये सिर्फ आपको एक वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकता है। उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। जिसे दिशाओं का पता है, जिसने इसकी स्टडी कर रखी है, सिर्फ एक वही इंसान है जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकता है। तो ये मिथ तो आप भूल जाइए कि हम तो भाई सिर्फ रेंट पर रहते हैं, हमारा इस घर से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा अपना घर नहीं है, हमारे नाम से नहीं है। घर की और आपसे कनेक्टेड हो जाती है किस दिन के बाद, चाहे आप रेंट पर हो, चाहे आपका खुद का मकान हो। तो इस मिथ पर नहीं चाहिए, इससे जल्दी से जल्दी अपने माइंड से रिमूव कीजिए और अपने घर को बैलेंस कीजिए, वास्तु का प्रॉफिट लीजिए और अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाइए। थैंक यू।